सुबाथू का ऐतिहासिक गुग्गामाड़ी मेला गुग्गा जाहर पीर के जयकारों के उद्घोष के साथ विधिवत रूप से आरंभ हो गया। गुग्गामाड़ी मेले का शुभारंभ सोलन के उपायुक्त केसी चमन द्वारा गुग्गा जाहर पीर की विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक सुबाथू का ऐतिहासिक गुग्गामाड़ी मेला गुग्गा जाहर वीर के जयकारों के उद्घोष के साथ विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। समारोह की अध्यक्षता सुबाथू छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी देवांशु चौधरी ने की। उपायुक्त सोलन केसी चमन का सुबाथू गुग्गामाड़ी मंदिर पहुंचने पर मेला कमेटी के प्रधान रवि शर्मा सहित कमेटी के अन्य सदस्यों ने पुष्प गुच्छ और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंदिर परिसर में स्थानीय भजन मंडलियों ने भी पारंपरिक साजों के साथ गुग्गा जाहर वीर के भजनों से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने समस्त क्षेत्रवासियों को इस प्रसिद्ध गुग्गामाड़ी मेले की बधाई देते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति के परिचायक है व आपसी प्रेम और सद्भावना का संदेश जनमानस को देते हैं। तो आज गुग्गा जाहर पीर की टनक पूजा में मुझे आने का मौका मिला है। मेले ये सही है कि मेले हमारी संस्कृति का प्रतीक है और ये हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो घर में बच्चे हैं उनका जो संस्कार हम घरों में देते हैं ये संस्कार को अपने आस पड़ोस के ये इसमें हमारा आपसी सद्भावना का ये प्रतीक है। इस मेले की एक खासियत सबसे बड़ी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का ये सबसे बेहतर प्रतीक क्षेत्र में अगर देखने को मिलता है ये गुग्गा जाहर पीर का ही स्थान है। यहाँ पे चार दिनों में जो मेला रहता है उसमें सारे समय ये सारे जो लोग हैं इसमें परिवार के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि अब धीरे धीरे लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं उसमें संलिप्तता कुछ हद तक हमारे जो पीढ़ी है हमारी भी है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें संस्कृति से जोड़ा। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पीढ़ी को इस संस्कृति से इसको जोड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल सोलन।